नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने लोकस का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें उसके इक्वेशन फाइंड करने के प्रोसीजर को पढ़ा था। कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 5.1 के पहले सम को किया था। अगर आप ठीक से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 के सम लगभग सिमिलर हैं। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के सारी कंडीशंस को अप्लाई करके सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। अपना अगला टॉपिक है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो पहले समझ लेते हैं ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन ओरिजिन इज अ पॉइंट इन अ प्लेन एट विच कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेप्ट ईच अदर। ये प्लेन में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स व्हाट, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0-0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट 0-0 होता है और उसको ओ से डिनोट करते हैं। तो हेडिंग से बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करने वाले हैं। सो कंसीडर अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जो कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मीन्स ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेफरेंस में हम लोग यहाँ पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं। तो ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी की जाती है। अगर अदर एग्जाम्पल लेके देखें तो अगर आपने ज्योग्राफी या साइंस में पढ़ा होगा कि सन जो कि बीच में होता है सोलर सिस्टम में, सन के अराउंड सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसको ओरिजिन कंसीडर करके सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है ओरिजिन का भी। तो यहाँ कंसीडर करेंगे पॉइंट पी इसके रिस्पेक्ट में, जो कि एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर डाल के। तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सपोज कर लिया ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वाई है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस वाई हुआ। और वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज कर लिया ये पॉइंट है अपना M और ये है N। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ से ये Y था और यहाँ से ये पूरा X था, X, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, X N Y से कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर ये X तो दोनों परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है, कुछ कुछ रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ये 90 होता है, 3 90 तो एक चौथा भी 90। तो अगर ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। अब बात हो रही है यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करने की, ये ओरिजिन जो कि 0-0 है हमारा, इसको हम शिफ्ट करेंगे, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेके वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो कंसिडर करते हैं कि शिफ्ट करने के लिए क्या, ओरिजिन को अगर शिफ्ट करेंगे तो एक नया x एक्सिस और एक नया y एक्सिस बनेगा। कंडीशन क्या होगी कि जो ओरिजिन शिफ्ट करेंगे उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस जो अपने ओल्ड एक्सिस हैं उनके पैरेलल होना चाहिए। मीन्स व्हाट, यहाँ से ये अपना न्यू सपोज कर लेंगे x डैश है और यहाँ से एक लाइन ऐसे सपोज कर लेंगे ये y डैश है, x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस। अब अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को जो कि न्यू ओरिजिन है हमारा, इसके रिस्पेक्ट में सपोज कर लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h और यहाँ से यहाँ तक का k। मीन्स व्हाट, ओल्ड x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कहाँ पे है, k है, और न्यू सॉरी ओल्ड y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, h है। तो इसका नया क्या बन जाएगा, सपोज कर लिया ये इसका o डैश हो गया और इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h एंड k। अगर अपना अगर ओरिजिन शिफ्ट किया हमने तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये चेंज होगा, ये ओल्ड इसी तरह नहीं रहेगा, x y है ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हमने नया ओरिजिन
लाया, अभी इसको शिफ्ट किया, तो कंसीडर इसका नया कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। यहाँ पे सपोज कर लिया ये पॉइंट, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, और जो ये एच डिस्टेंस है ये इतना, कन्फ्यूज़न ना हो, इतना यहाँ तक का, और ये के डिस्टेंस यहाँ तक का। तो ये कंसीडर कर लिया इस पॉइंट को, इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया पॉइंट एल, और इसको पॉइंट कंसीडर कर लिया सपोज ये एन डैश है, ये पॉइंट एन डैश है, ये डिस्टेंस एक्स हो गया, ये पॉइंट एन डैश है, और ये पॉइंट एम डैश है, एम डैश है, जो कि क्या यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है। तो हमें देखना क्या है, इनके बीच का रिलेशन, किनके बीच का, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, ओल्ड ओरिजिन 0 0 के रिस्पेक्ट में जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, और जो हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन ओ डैश एच के पे ला दिया, तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स जो बन गए, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो देखेंगे। सो फ्रॉम द फिगर क्या दिख रहा है, फिगर से यहां से यहां ओ से एल तक, ओ एल इज इक्वल टू एच, ओ एल इज इक्वल टू एच, एंड ओ डैश एल इज इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर ये के है तो ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, तो क्या ओ डैश एल इज इक्वल टू एम डैश एम इज इक्वल टू एम डैश एम इज इक्वल टू कितना के, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना के, एंड पी टू एम डैश तक का डिस्टेंस क्या, न्यू कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए थे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मीन्स वॉट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या कैपिटल वाई, कहाँ से कहाँ तक, बस ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल वाई, न्यू कोऑर्डिनेट से इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल एक्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये कैपिटल एक्स हुआ तो इस रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स, कहाँ से एल से लेके एम तक का डिस्टेंस। तो एंड पी टू एम डैश, पी टू एम डैश इज इक्वल टू कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, एंड व्हाट ओ डैश टू एम डैश इज इक्वल टू ओ डैश टू एम डैश इज इक्वल टू एल टू एम इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना कैपिटल एक्स, अगर ये कैपिटल एक्स है तो ये भी कैपिटल एक्स होगा, सो ये कैपिटल एक्स। नाउ अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो यहां से यहां तक का ओ टू एम इज इक्वल टू, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ओ एल, ये पॉइंट एल और एम, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ एम को कैसे लिख सकते हैं, ओ एल प्लस एल एम ऐसे लिख सकते हैं। तो ओ एम मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का, यहाँ से पूरा यहाँ तक का m तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले से लिखा है x, कोऑर्डिनेट्स देख के पता चल रहा है x, सो x इज इक्वल टू ओ एल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस h है, h प्लस एल एम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल x यहाँ पे लिखा था कैपिटल x, तो इसको कैपिटल x हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एक्स प्लस एच, ये मिला पहला रिलेशन, किसके लिए एक्स के लिए मिला, क्या ये वाला ओल्ड कोऑर्डिनेट था, ये न्यू कोऑर्डिनेट,
और ये जो हमने ओरिजिन शिफ्ट किया उसका कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली वाई के लिए भी कर सकते हैं, कैसे वाई के लिए अगर करूँ तो पी एम, पी एम इज इक्वल टू पी एम, पी एम इज इक्वल टू पी एम डैश प्लस एम डैश एम, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है पी एम डैश एंड एम, तो क्या हो जाएगा पी एम डैश प्लस एम डैश एम। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ तो यहाँ तक पूरा कितना है y डिस्टेंस है, तो यहाँ स्मॉल y इज इक्वल टू पी एम, पी एम, पी एम डैश, पी एम डैश कितना कैपिटल y, कैपिटल y और m m डैश, m m डैश k, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे k, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, ये हो गया दूसरा रिलेशन। तो क्या देखने में पता चल रहा है x स्मॉल x स्मॉल y जो कि हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट था, और ये कैपिटल x कैपिटल y हमारा न्यू कोऑर्डिनेट था, और ये h के जो हमने ओरिजिन शिफ्ट किया, तीनों के बीच में रिलेशन मिल गया हम लोग को, ये दिस इज कॉल्ड फॉर्मूले फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो बेसिकली जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इनमें तीन में से कोई दो वैल्यू दी होगी, हम लोग को एक फाइंड करनी होगी, जिनमें ऐसा भी पूछ सकता है कि हमने ओरिजिन को नए कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट किया, कोऑर्डिनेट दे देगा, उसके बाद न्यू पूछेगा, या तो फिर न्यू दे देगा, ओल्ड पूछेगा, ऐसे कुछ कुछ होंगे। तो कुछ सम्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पूरा लिख सकते हैं। तो हमने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व भी किया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको राइट हैंड साइड में ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, मैं रीड कर रहा हूँ। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 2, 3 द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या बोला है लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन ओ डैश जिसपे कि ये क्या है न्यू ओरिजिन है, इस पर शिफ्ट किया है, ओ डैश इज इक्वल टू 2, 3 एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल। सो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट है ए एंड बी, इनके न्यू कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कुछ कुछ ऐसा है, ये ऐसा 0, 0, ये अपना ओल्ड ओरिजिन था ओरिजिनल वाला, और यहाँ पे नया ओ डैश लेके पॉइंट शिफ्ट कर दिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। तो पहले कोई पॉइंट यहाँ पे था ए जिसका कोऑर्डिनेट था 1 and 3। मीन्स वॉट, अगर उससे कंपेयर करें तो हमको ये वैल्यू दिया है एच और के का, और ये एक्स वाई है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, हमको फाइंड क्या करनी है न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ये क्या होगा। सो नीचे फॉर्मूला लिखा था अभी, सो लेट x capital y बी न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए के न्यू कोऑर्डिनेट्स जिसका क्या है ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है 1 and 3। लेट x capital y बी ए न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, when origin
ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट पॉइंट O डैश टू एंड थ्री, एक्सिस रिमेन पैरेलल, एक्सिस पैरेलल ही रहेंगे, ये जो है नए जो होंगे नए एक्सिस बनेंगे वो पैरेलल होंगे इसके साथ, जो कि शुरू में ही बता दिया था कि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो एज गिवन हियर हियर x इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 1 एंड y इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 2, ओरिजिन जो शिफ्ट किया उससे कोऑर्डिनेट्स क्या, h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 3, इससे शिफ्ट किया है। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स new coordinate of point A 13 R। formula हमने क्या पढ़ा था, x is equal to capital X plus h and y is equal to capital Y plus K। हमको यहाँ निकालना क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट मीन्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमको दिया है यहाँ पे, और एच और के की भी वैल्यू दिया है। तो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एच, एक्स माइनस एच एंड वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, वाई माइनस के। सो एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस h की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू y की वैल्यू 3 और इसकी भी 3, तो 3 माइनस 3, 1 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू 0, x और y की वैल्यूज मिल गई। देयरफॉर required new coordinates, new coordinates of point A 13 are what, x y na, capital X capital Y which is equal to माइनस वन कॉमा ज़ीरो। सिमिलरली हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 and 9 सिमिलर है एकदम, ऐसे ही कोई वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें लोकस के इक्वेशंस दिए हैं किसी एक पॉइंट के लिए, अगर हम उस ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दें तो उस लोकस के न्यू इक्वेशंस क्या होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोसी, चार दिए हैं चार इक्वेशंस फॉलोइंग लोसी, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ पॉइंट ओ डैश टू टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन सेम। सो गिवन लिख लेते हैं, गिवन इज व्हाट, ओरिजिन को शिफ्ट किया है, शिफ्ट किया ओरिजिन, ओ डैश का कोऑर्डिनेट है 2 2 2 और 2, और इक्वेशन दिया है लोकस का, इक्वेशन ऑफ लोकस दिया है कौन सा, 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ओरिजिन को 2,2 पे शिफ्ट किया जाए तो लोकस का नया इक्वेशन क्या होगा,
सो लेट लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बी न्यू कोऑर्डिनेट्स when origin is shifted to point O dash 2 and 2. Axis remain in same direction. मतलब पैरेलल होंगे और उसी डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में. सो बाय द फॉर्मूला ऑफ ओरिजिन, यहाँ हमने गिवन क्या क्या है, लेट कंसिडर किया, जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो नया कोऑर्डिनेट बनेगा. यहाँ पे क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जिसका यूज करके लोकस का इक्वेशन बनाया गया है. तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी ना. सो बाय द फॉर्मूले ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन what is formula? x is equal to capital X plus H and y is equal to capital Y plus K. So यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x plus H, और y is equal to capital Y plus K. तो ओरिजिन शिफ्ट किया है यहाँ पे, ओरिजिन शिफ्ट किया यहाँ पे मतलब क्या, ये हमको शिफ्टेड ओरिजिन जो कि न्यू होगा एच कॉमा के की वैल्यू दी है. हियर एच इज इक्वल टू टू एंड के इज इक्वल टू टू. सो सपोज कर लिया इक्वेशन वन, सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ H and K in वन, इसमें H और K की वैल्यू सब्सिट्यूट करूँ तो X इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस टू एंड Y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस टू. X एंड Y की वैल्यूज मिल गई. अब X और Y की वैल्यूज इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा जो कि न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकस का इक्वेशन होगा. Substituting the value of x and y in given equation of लोकस का इक्वेशन दिया है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. कहाँ से, यहाँ से जो हमने अभी निकाला, एक्स की वैल्यू क्या कैपिटल एक्स प्लस टू, वाई की क्या कैपिटल वाई प्लस टू. कौन सी इक्वेशन में, ये गिवन इक्वेशन है लोकस का अपने पास. यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 3x - y + 2 = 0. 3x - y + 2 = 0 वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. 3x की वैल्यू क्या x + 2 माइनस वाई की वैल्यू क्या y + 2 कैपिटल y + 2. ये प्लस टू पहले से यहाँ पे इक्वेशन में इज इक्वल टू जीरो, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 × 6 माइनस वाई माइनस 2 + 2 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे माइनस 2 + 2 दोनों के अपोजिट सिंबल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. फिर 3x - y + 6 = 0. This is required
न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं।